छात्रों, आज हम कार्बन और उसके यौगिक इस पाठ का अध्याय चार का भाग तीन देख रहे हैं। इस पाठ में से कुछ पोर्शन क्या हो गया है, कम हो गया है, तो हम ये बताते हैं कि कुछ कम हो गया है। तो इसमें आपको पढ़ना है कार्बन के सहसंयोजी बंध, किस प्रकार वो सहसंयोजी बंध बनाता है, और आपको पढ़ना है कि कार्बन की सर्व तो मुखी प्रवृत्ति, कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं प्रकृति में, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आपको पढ़ना है समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ना है आपको। तो कार्बन बंध बनाता है सहसंयोजी, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अब ये समजातीय श्रेणी क्या है, आप एक उदाहरण देखिए, हम एक आप उदाहरण के द्वारा बतलाते हैं आपको कि जैसे मीथेन है, ये क्या है मीथेन, मीथेन का जो सूत्र है वो है CH4। तो यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम इस कार्बन यौगिक का कोई भी हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा हम क्या कर दें, हटा दें, तो वो श्रेणी बन जाती है समजातीय श्रेणी। जैसे देखिए हम मीथेन को, मीथेन में ये तीन हाइड्रोजन, एक चौथा यहां होता है, चौथा हाइड्रोजन परमाणु, इसको हम मान लो हम एक एल्कोहल ग्रुप OH के द्वारा हटा दें तो क्या होगा, ये H की जगह हम क्या रख लें OH, तो ये बन गया CH3O, ये गलत आ रहा है, CH3OH, ये एल्कोहल ग्रुप वाला। ऐसे इसके हर सदस्य हैं, मीथेन जो एल्केन श्रेणी के, सबको हम OH ग्रुप के द्वारा हटा दें तो एक नई प्रकार का एल्केनॉल समजातीय श्रेणी बन जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी इसके लगाए आप हेलोजन क्लोराइड ब्रोमाइड ले सकते हैं, अम्ल का ग्रुप ले सकते हैं, कीटोन का ग्रुप ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इस प्रकार ये समजातीय श्रेणियां बन जाती हैं। कुछ समजातीय श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली जो श्रेणी है समजातीय श्रेणी, मान लो वो है एल्केन, एल्केन, इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ, पुनः बता रही हूँ, एल्केन समजात श्रेणी। तो इसका एक सामान्य सूत्र होता है, इसमें एकल बंध पाया जाता है, इसमें इसका जो सामान्य सूत्र है वो है N, यहाँ है कार्बन परमाणु की संख्या, तो ये इसका एक सामान्य सूत्र है। तो इस एल्केन श्रेणी का जो पहला सदस्य है वो है मीथेन, क्या है मीथेन, इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ CH4। तो ये पहला सदस्य है, इनमें एकल बंध पाया जाता है, ये इनकी एक विशेषता है। और इसका जो दूसरा सदस्य है वो है एथेन, दूसरा सदस्य क्या है एथेन, उसका सूत्र है C2H6। आप पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में आप अंतर देखेंगे तो आपको दोनों के बीच में CH2 का अंतर दिखाई देगा। देखिए यहाँ कार्बन का एक परमाणु, यहाँ कार्बन के दो, तो एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन के छह, तो यहाँ हाइड्रोजन के चार। तो पहले और दूसरे सदस्य के बीच में जो अंतर होगा वो कितने का रहेगा, CH2 का रहेगा। आप देख सकते हो इसका तीसरा सदस्य है, देखो ना कहीं लिख रहे हैं कहीं जा रहा है, अगला सदस्य है इसका
प्रोपेन। आप देखेंगे कि इसका जो अणु सूत्र है वो है C3H8। ये 8 है। आप देखेंगे अब इसका जो पहला सदस्य था ये वाला, तो इसमें भी आप देखेंगे कि CH2 का अंतर है। इसका जो अगला सदस्य है ये आपको याद करने हैं, बहुत सरल है और बार बार दोहराए जा रहे हैं। इसका जो अगला सदस्य है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो सूत्र है C4H10। H10 नहीं आ रहा। ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। आप ये और इसमें अंतर देखिए तो भी कितना अंतर है CH2 का। इसका अगला सदस्य, ये आपको पूरे सदस्यों के नाम याद करना है, अगला सदस्य है पेंटेन। इसका फार्मूला है C5। देखिए कार्बन की संख्या क्रमशः बढ़ रही है, C5H12। आप इसमें भी देखिए, इन दोनों में भी देखिए कितने का अंतर है CH2। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक सामान्य जितनी भी सजातीय श्रेणियां हैं उसका जो अगला सदस्य है क्रमशः उसमें CH2 का अंतर पाया जाता है। तो ये हो गई एक श्रेणी। इसका एक और सदस्य आप याद कर लीजिए, हेक्सेन। इसका फॉर्मूला है C6H14। ये हो गई एल्केन श्रेणी। इसके जितने भी सदस्य आएंगे उनके नाम के अंत में एन आएगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब ये एन शब्द जुड़ेगा। इसके बाद दूसरी जो सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी समझ गए ना, एक ही ग्रुप पाया जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करेगा। दूसरी श्रेणी है एल्कीन। एल्कीन श्रेणी, इसका हम फार्मूला एक सामान्य सूत्र लिख सकते हैं, CnH2n। n है कार्बन परमाणु की संख्या। इस एल्कीन जो समजातीय, श्रेणी है, इसका पहला सदस्य है अंत में तो वो आएगा एथीन, अंत में ईन आता है, ये E-N-E, एथीन आता है। इसका जो सूत्र है वो है C2H4। N कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और H2N, इस प्रकार ये 4। तो ये है एथीन। इसमें एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, ये क्रियात्मक समूह है। आप देखेंगे इसकी परमाणु संरचना, ये इसका अणु सूत्र, इसका संरचनात्मक सूत्र देखेंगे आप। कार्बन की संयोजकता 4 है, आप देखेंगे 3 बंध बने हुए हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाएगा। तो इसका पहला सदस्य है एथीन, आप देख सकते हो ये पहला सदस्य है। दूसरा सदस्य, ये नाम याद करना है, प्रोपीन, अंत में ईन आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, ईन। प्रोपीन, इसका सूत्र है C3H6। इसका आप संरचनात्मक सूत्र देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आएगा और इस प्रकार एक
कार्बन ये हो गया, और इस प्रकार ये इसकी संरचनात्मक सूत्र होगा। तो आप देखेंगे C2H4 और C3H6 दोनों सदस्यों के बीच में कितना अंतर है, CH2 का अंतर है। इसका जो अगला सदस्य होगा वो होगा ब्यूटीन, उसका जो सूत्र है C4H8। आप देख सकते हैं ये प्रोपीन और ब्यूटीन में CH2 का अंतर है। अगला सदस्य होगा पेंटीन, होगा उसका जो इसको मैं फिर से लिख रही हूँ, पेंटीन C5H10 हेक्सीन। इस प्रकार ये कार्बन यौगिकों की श्रृंखला लंबी होती चली जाती है। तो लंबे होने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनका जो ग्रुप है वो सभी में एक है, तो उनके गुण आपस में मिलते रहेंगे। अगली श्रेणी है इसकी एल्काइन। पहला था एल्केन, एल्कीन। तीसरी श्रेणी है एल्काइन। एल्काइन समजात श्रेणी, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाएगा। तो इसका जो प्रथम सदस्य है एल्काइन श्रेणी का, ये आते हैं एग्जाम में प्रथम, तो इसका नाम के अंत में आइन आएगा। इसका जो प्रथम सदस्य है वो रहेगा एथाइन। इसका सूत्र है C2H2। इसमें आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध आएंगे। एथाइन, इसका जो अगला सदस्य रहेगा वो रहेगा प्रोपाइन। इसका जो सूत्र होगा वो होगा C3H4। इसमें भी आप देखेंगे CH2 का अंतर रहेगा। इस प्रकार हम ये श्रेणियां हैं इसकी, और चौथी समजातीय श्रेणी है एल्केनॉल। वो है एल्केनॉल, एल्कोहल ग्रुप पाया जाता है OH। इनके नाम के अंत में नॉल आएगा। इसका जो सदस्य है, इसका पहला सदस्य है मैथेनॉल। इसका फॉर्मूला है CH3OH। आप देखेंगे CH3 और एक एच की जगह क्या आ गया, OH, मैथेनॉल। इसका दूसरा सदस्य है एथेनॉल, अंत में नॉल आएगा। ये एल्केनॉल समजातीय श्रेणी है, समजातीय। इसका एथेनॉल है, इसका जो फार्मूला है वो है C2H5OH। हम देखेंगे कि इसमें भी
CH2 का अंतर है। देखिए कार्बन एक, कार्बन दो, यहाँ हाइड्रोजन चार है, यहाँ हाइड्रोजन छह है। तो इस सदस्य और इस सदस्य के बीच में भी कितने का अंतर है? CH2। तो ये हो गई समजात श्रेणी। आपको सिर्फ इतना ही है कोर्स में। अभी जो हमने देखा है यूट्यूब में, जो कोर्स सिलेबस कम हुआ है, और इस लेसन से आपको आना है 5 अंक का। कितने अंक का आएगा इसको? इस लेसन से आपको 5 अंक का आएगा। 5 अंक में आपको एक नंबर का आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको आएगा मल्टी, मतलब चुनना, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इस प्रकार। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लीजिए आप, और सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं वो मैंने पूर्व में बताया है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, साझा होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न में है कि सहसंयोजी बंध क्या है? उदाहरण व गुण बताओ। और कार्बन के यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं? यह हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी हैं कि जितनी भी समजातीय श्रेणियां हैं उनके प्रथम सदस्यों के नाम लिखिए और आप उनके सूत्र लिखिए। धन्यवाद।